हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। क्या ट्विन फ्लेम्स के लिए ये जर्नी और मुश्किलों भरी होने वाली है? क्या ट्विन फ्लेम्स के लिए इनर वर्क करना और टफ हो जाएगा? क्योंकि ऐसा समझिए कि आज आपकी कॉन्शियसनेस का टेस्ट होने वाला है। मुझे नहीं पता कि क्यों कोचेस ऐसी गाइडेंस, ऐसी एडवाइस दे रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स को क्यों दे रहे हैं ऐसी एडवाइस। कल ही एक वीडियो सुना जिसमें ये बताया गया कि जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी करता हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हो, देवी देवताओं के बारे में ज़्यादा बात करता हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए आफ्टर हीलिंग। ऐसी सलाह दी जा रही है ट्विन फ्लेम्स को कि आफ्टर हीलिंग ऐसे लोगों से वो दूर रहें, उनको अपनी लाइफ का पार्ट ना बनाएं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी करते हों, देवी देवताओं की बातें करते हों। उस कोच का ये मानना है कि किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स में होते हैं, मटेरियल जो थिंग्स हैं उनको चेस करते हैं, ऑब्जेशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं 3D में, तो अगर वो बुरा है तो जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का गान करते हैं, आध्यात्मिक की बातें करते हैं, हर वक्त देवी देवताओं के बारे में ही बातें करते हैं, उनकी कहानियाँ बताते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी नुकसानदायक है, बुरी होती है। तो क्या व्यक्ति का ज़्यादा आध्यात्मिक होना उसके लिए नुकसानदायक है? बिल्कुल ओपनली ट्विन फ्लेम्स को ये सिखाया जा रहा कि सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में ऐसे लोगों से दूर रहो जो बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की बात कर रहे हों। यानी इसमें कोचेस भी आते हैं, कोई और भी हो निजी जीवन में उनसे जुड़ा हुआ, कोई उनका फ्रेंड हो या कोई भी हो, या कोई भी ऐसे दूसरे कोचेस हो जो अपने चैनल्स पे गाइडेंस देते हों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की या बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की वो बातें करते हों, तो उनको इग्नोर करो, उनसे दूर रहो, ऐसे लोगों से मत जुड़ो। ये बोला जा रहा है ट्विन फ्लेम्स को। मतलब अगर कुछ कोच हीलिंग के लिए राम नाम का जप बता रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं अगर ट्विन फ्लेम्स को कि चैंटिंग करो, राम नाम की चैंटिंग करो, तो क्या वो गलत हैं कोचेस? या कोई देवी देवताओं की कहानियों से इनर वर्क करने का तरीका बता रहे हैं, क्या ऐसे कोच गलत हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी एडवाइस कईयों को टारगेट करके बोली जा रही है, कई कोचेस को टारगेट पे रखा जा रहा? इससे पहले भी एक कोच का बताया था जिसने ये एडवाइस दी थी कि नॉनवेज खाने वाले प्योर सोल्स होती हैं और वेज खाने वाले पापी होते हैं बहुत बार कई लोग। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट, यानी हमें 5D में जाना है और 5D के बिल्कुल अपोजिट वाली जो सलाह है, एडवाइस है, वो ये ऐसे कोचेस क्यों दे रहे हैं? 5D में जाने के लिए तो जितना स्पिरिचुअल नॉलेज, जितना विजडम हो सकता है, आप वो इकट्ठा कीजिए, वो उसे सुनिए, समझिए, परखिए, तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट ऐसी एडवाइस क्यों दे रहे हैं? और सोचिए कि हज़ारों में व्यूअर्स जुड़े हुए हैं ऐसे कोचेस से, क्या प्रोग्रामिंग अनेबल कर रहे हैं ये ट्विन फ्लेम्स में, जो भी इनको सुनते होंगे ट्विन फ्लेम्स, क्या प्रोग्रामिंग सेट हुई ट्विन फ्लेम्स की? अगर वो ऐसी बातें सुनते हैं कि देवी देवताओं के बारे में मत सुनो, या जो भी वेज नॉन वेज से रिलेटेड ऐसे थॉट्स इंस्टिल कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स में। इसलिए मैंने कहा कि आज आपकी परीक्षा का दिन है। मैं नहीं कहूँगी कि कौन सी गाइडेंस मैनिपुलेटिव है, कौन सी नहीं है, मैं जज नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है क्या सही है क्या नहीं है। पर आप कमेंट करके बताइए कि ट्विन फ्लेम्स को जो ऐसी
सलाह दी जा रही हैं यूट्यूब पर, चैनल्स पर, क्या वो सही है? क्योंकि ये टेस्ट आपका है, ये आपकी कॉन्शियसनेस का टेस्ट है। अगर अब तक आपका इनर वर्क बहुत अच्छा रहा है, आपने स्पिरिचुअल जर्नी को अगर थोड़ा भी अगर खुद से एनालाइज किया है, समझा है, तो ये आप बताएंगे कि ये जो एडवाइस दी गई है वो सही है कि नहीं है। ज़्यादा आध्यात्मिक होना नुकसानदायक कैसे हो सकता है? क्या बुद्ध, श्री कृष्ण, श्री राम जरूरत से ज़्यादा आध्यात्मिक थे? ये बात उस वीडियो पे कमेंट करके मैंने पूछी, पर कोई रिप्लाई नहीं आया अब तक। तो आप खुद समझिए कि क्यों आपके लिए ये जर्नी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कई कई वीडियोस आप सुनते हैं और कोई कुछ सलाह दे रहा है, कोई कुछ, कोई कोच कुछ सलाह दिए जा रहा है। सबकी जो गाइडेंस होती है, सलाह होती है, डिफरेंट होती है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो। फिर इसलिए शायद ट्विन फ्लेम्स के मन में ये जर्नी गिव अप करने का ख्याल आ जाता है कि नहीं करनी है जर्नी, कंटिन्यू, बकवास है सब। ठीक है, ये एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं इनिशियल स्टेज पे थी, मैं भी थक गई थी। कोई कुछ सलाह दे रहा है, कहीं पे कोई गाइडेंस आ रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इनर वर्क करना है। मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई थी। एंड लास्ट में मुझे यही ठीक लगा कि मैंने सब यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया। मींस मुझे जो भी डाउट आता था अपनी जर्नी से रिलेटेड, मैं वीडियोस पे, यूट्यूब वीडियोस पे कम डिपेंडेंट रही। मैंने वीडियोस भी कम कर लिए, जहाँ जो वीडियो सही लगता था, जो चैनल्स मुझे बिल्कुल सही लगे, सिर्फ मैंने उन्हीं को सुना। और जो दूसरे चैनल्स, दूसरे वीडियोज़ हैं, मैंने बिल्कुल बंद कर दिए देखना, सुनना उनको। और मेरे जो डाउट थे वो स्ट्रेट मैंने डिवाइन से, यूनिवर्स से ही पूछने शुरू कर दिए। तो मुझे बहुत हेल्प मिली, बहुत। जितने भी मेरे जवाब थे, जो भी मेरे डाउट्स थे जर्नी से रिलेटेड, या कुछ भी मेरे को साइन वगैरह मांगना होता था, वो सब मैं यूनिवर्स से मांगती थी। तो इसलिए मैंने कहा था आप सबसे कि अपनी जर्नी को खुद सुलझाइए, हर किसी कोच पर डिपेंडेंट मत रहिए। रामायण, गीता को अपनाएं अपने इनर वर्क के लिए। बाकी मुझे लगता है कि गाइडेंस सही है या गलत, ये व्यूअर्स पर ही छोड़ देना चाहिए अब। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, जो लोग अपनी लाइफ के अगर रोज के 10 मिनट 15 मिनट गीता रामायण पढ़ रहे हैं, इनर वर्क सीख रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, सोर्स को, डिवाइन को कनेक्ट हो रहे हैं सोर्स से, तो उसमें गलत ही क्या है? उसके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो चुका है, बहुत ज़्यादा बातें करता है भगवानों की, देवी देवताओं की, तो ये बिल्कुल गलत है बोलना। तो ये सलाह दी जा रही है ट्विन फ्लेम्स को कि जो ज़रूरत से ज़्यादा भगवानों की बातें करें तो उनको अवॉइड करें, ऐसे लोगों को अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, उनको अवॉइड कीजिए। तो आप अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए कि गाइडेंस के नाम पे आप क्या सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज के वीडियो में। गुड लक फॉर योर इनर वर्क। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।